ब्रेक के बाद भोज प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी विगत रात आरा पहुंचे और आरा पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार जो है वो विकास की कोई नीति नहीं जानती है। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी बिल को केंद्र सरकार को वापस लेनी चाहिए। हम चाहेंगे कि सलमा बेगम जी भूखे पेट और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सीताराम मांझी जी का स्वागत करें। माननीय सलमा बेगम जी जो वार्ड पार्षद की है नगर निगम की और इस अरे हम सबसे पहले आप सबों को इस अनिश्चितकालीन धरना के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप एक सजग नागरिक के रूप में देश हित में सामने आए हैं। आज तक लगभग 40 वर्ष की राजनीतिक जीवन मेरी है, हमने नहीं सुना था सड़कों पर आते हुए हमारे नौजवान साथी आते थे, बुजुर्ग आते थे, विद्यार्थी आते थे, लेकिन माताएं बहने भी नौजवानों के साथ देने के लिए धरना पर आ जाए पहली बार है। इसीलिए विशेष करके माताएं बहनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहे कि ये मोदी जी आपके जो आरक्षण विरोधी नीति है और जो तोड़ने की नीति है इसको हम नहीं मानने वाले हैं और आपके एनपीआर को हम नहीं मानने वाले हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप जब दूसरा देश दे देता है नागरिकता 8 वर्ष में 10 वर्ष में 12 वर्ष में तो आप नागरिकता क्यों नहीं देते हैं? आप कहते हैं सीएए नागरिकता देने की बात है, लेने की बात नहीं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप क्यों भेदभाव किए कि मुसलमान वहां से आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं देंगे? मान लीजिए पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आ सकते हैं, अफगानिस्तान से नहीं आ सकते हैं, लेकिन लंका से लाखों लाख लोग आए हुए हैं, आज तमिलनाडु में बसे हुए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कौन कानून अपनाया है? आज हमारे फ्रंटियर में चाहे आसाम हो या बंगाल हो या बिहार हो, यहाँ तिब्बत के लाखों लाख लोग यहाँ पर बरसों बरसों से आए हैं, दलाई लामा साहब आज उनका सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको नागरिकता देने की कौन पहल आपने किया? तो आप तो उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ है कि एक समय एक जाति एक समूह से आप एक घृणा करते हैं और वो है हमारा अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं आप ये भेदभाव नीति अपनाया है, इसीलिए आपके सीएए का हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहना चाहते हैं ये जो कानून हमारा जो आपने बनाया है हमारे लिए नहीं है। ये कानून एक दूसरे को पृथक को बांट देने की बात करता है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। यही सारी बातें हैं मेरे भाइयों, हमको समझने की जरूरत है। और आज देश में हमको तो मालूम हुआ है कि मात्र 99 जगह, लेकिन नहीं 99 जगहों से भी ज्यादा इस प्रकार का शाहीन बाग बंद करके लोग हड़ताल और धरना पर बैठे हुए हैं। और देश नहीं विदेश में भी आज हमारे भाई बहन यहाँ का जो काला कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर थोड़ा भी जनतांत्रिक मुद्दा इनमें रहती, थोड़ी भी भावना रहती तो आज इनको बैक हो जाना चाहिए था। और ये कहते हैं कि हम नहीं बैक होंगे, क्यों? जब 2 अप्रैल 2018 को जब आपने शुरू का ये शेर का इलाका है, हम घायल होते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते।
कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ के कुछ लोग बैठेंगे, धरना देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। आगे में बढ़ाओ ना मोदी जी, ये भोजपुर की सरजमी है, यहाँ के लोग बॉर्डर पे शहादत देते हैं, आजादी के लिए मरते हैं, छोड़ कर नहीं जाएंगे आपको। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी मंच पे मौजूद है, उनके सामने कुछ बोलना सूरज के सामने दिया चलाने के बराबर होता है। इसलिए हम मन संचालक महोदय से चाहेंगे कि जिनके इंतजार में आप बैठे हैं, आप उनको सुने। धन्यवाद। पाकिस्तान तक डबल रोड बन गया, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो तुम? उसका विरोध करना चाहिए, वो विरोध नहीं करते हो। और एक बात और, जब पाकिस्तान को पूरे अपने नेतृत्व में आ गए सलमा बेगम जी, हम चाहेंगे युवा कार्यकर्ता मोहम्मद अंसर जी से वो भी फूके देंगे। और इस सम्मानित करें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अंसर जी। अमानी जी बताइए, साहिंगा के तर्ज पर आज धरने पे कई महिलाएं बैठी है, क्या कहेंगे भारत सरकार से? हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नारी सशक्तिकरण मनाया गया था, और जब देश की नारियां आज सड़क पर आ गई हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे का इंतकाल हो गया है और उसके बावजूद भी वो डटी हुई हैं, ये लगना चाहिए यहाँ के रहनुमाओं को, ये समझना चाहिए कि यहाँ का देश की महिलाएं और देश के नागरिक क्या चाह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आज जमहूरियत है, ये जनतंत्र है, इसमें डिक्टेटरशिप का कोई स्थान नहीं है, और आज जो डिक्टेटरशिप के रूप में आज लोगों को रौंदने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम समझते हैं कि ये उनके लिए एक तरह से खतरनाक स्थिति पैदा करेगी जिससे उनका अस्तित्व का खात्मा हो। देश में लगभग अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा शाहीनबाग बन चुके हैं, सैकड़ों महिलाएं बच्चे शामिल हैं, आखिर क्यों भारत सरकार की बात क्यों 26 NRC की बात तो अभी कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। NRC लागू करेंगे ही, इसलिए कि भाजपा के घोषणा पत्र में है और महामहिम राष्ट्रपति के उद्बोधन में भी है, और इसी तरह के अन्य इशू को वो जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो NRC भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और NRC का पहला जो पायदान है NPR, जिसको लागू करने के लिए, और उसमें जो बातें कही जा रही है वो बात का सबूत गरीब तबके के लोग, अकलियत तबके के लोग, आदिवासी तबके के लोग नहीं दे सकते हैं, और उसकी संख्या लगभग 50 करोड़ के आसपास में है। तो आप जान लीजिए कि 135 करोड़ में 50 करोड़ लोग वैसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं दे सकते हैं। ऐसा करके ये चाहते हैं कि जो यहाँ का बहुसंख्यक लोग हैं उनको पॉलिटिकल अधिकार से हम वंचित कर दें और सिलेक्टेड लोगों से वोटर लिस्ट में नाम करवा करके राजनीति में नाम दे करके हम पुनः गद्दी पर बैठे, ये RSS का एजेंडा है। और गद्दी पर बैठ करके जो RSS का काम है कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करें और यहाँ दूसरा कोई नहीं हो, बाकी सब नफर के रूप में काम करें, नौकर के रूप में काम करें, 26 राज्य सत्ता में उनका कोई भागीदारी नहीं हो, ये इनकी साजिश है जिसके तहत आज इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। 26 फरवरी को सुनवाई है, शाहीनबाग का धन्यवाद देते हैं। 26 फरवरी को शाहीनबाग पर फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनकी सुप्रीमेसी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्टोसिटी एक्ट का मामला हो या फिर आपको इधर कई कानून ऐसे आए हैं कि जो सरकार चाह रही है वही सुप्रीम कोर्ट करती है। अभी आपने देखा कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि संविधान में वो मौलिक अधिकार है। तो कहने का मतलब आज जो जुडिशियरी है आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ के अंदर काम करने वाली है, और इससे हम लोग बहुत आशा नहीं रखते हैं। ऐसे गुड सेंस प्रिवेल करे
उनको चाहिए कि जस्टिस तो जस्टिस है, अगर वो करेंगे तो निश्चित है कि एनआरसी का मामला या एनपीआर का मामला या एसीसी का मामला को निश्चित रूप में जो यहाँ की जनता चाहती है नहीं इम्प्लीमेंट करना, तो इसी के तहत वो अपना जजमेंट देगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन वो अपने मन से अगर काम करे तो वो मोदी जी के मन से काम कर रहे हैं लोग, इसलिए बहुत उम्मीद नहीं है। बिहार में एनसीआर ऐसी लागू नहीं हो, नीतीश कुमार का फैसला है कि स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एनआरसी नहीं आने वाला। देखिए मुख्यमंत्री जी कई एक मामले में ऐसा कहने का काम किया है, वो तीन तलाक का मामला आया था उस समय भी उन्होंने कहा था, 370 का मामला आया था उस समय भी उन्होंने कहा था जो आप लोग सोचते हैं, लेकिन उनके लोग पार्लियामेंट में उस कानून का साथ दिया। उसी प्रकार से एनआरसी के बारे में भी कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, तो अभी तो मतलब कोई है ही नहीं है क्योंकि कोई नहीं कह रहा है कि अभी लागू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है एनपीआर का उन्होंने एक तरह से नोटिफिकेशन कर दिया था, 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन परसों दरभंगा में उन्होंने कहा है कि वो लागू नहीं होगा, अगर होगा भी तो 2010 के जो एनपीआर है उसके तहत है। अगर ये लागू करते हैं तो धन्यवाद देते हैं और मांग करते हैं कि यदि आपको करना ही है और दिल सच्चा है तो अभी वर्तमान असेंबली का सत्र चल रहा है, सत्र में स्पेशल चर्चा करवा करके आप बिहार असेंबली से रेजोल्यूशन भेजवा दीजिए कि एनपीआर बिहार में लागू नहीं होगा, एनसीआर बिहार में लागू नहीं होगा और सीएए भी लागू नहीं होगा, जैसे 2-4-5 राज्यों ने किया। ठीक है, धन्यवाद।